हेलो एग्रियंस, मैं अभिनय नागोरी आपके अपने एग्री एफ आई चैनल दोस्तों आपका बहुत 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 स्वागत करता हूँ। दोस्तों वेलकम टू एग्री एफ आई आर, इफ़ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर 2500 सब्सक्राइबर इन जस्ट 45 डेज। दोस्तों दिस इज अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड मेमोरी। दोस्तों कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि इतने कुछ सब्सक्राइबर अपने इतने जल्दी हो पाएंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों PAT 2018 का पेपर, PAT 2018 के पेपर जो कि 21 अप्रैल को हुआ था। इसमें दोस्तों उन लोग को सपोर्ट मिलेगा जो लोग दोस्तों ट्रेनी मेट के लिए बायो की तैयारी करें, उनके लिए बायो के क्वेश्चन इसमें अच्छे खासे कवर हुए हैं। बायो के क्वेश्चन आपको मिलेंगे अच्छे एग्जाम में, 25 क्वेश्चन आपको बायो के मिलेंगे, 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके लाइव स्टॉक के, जो लाइव स्टॉक अपने मॉक टेस्ट में अब तक कवर नहीं हुआ था उसमें 50 क्वेश्चन लाइव स्टॉक के होंगे और 50 क्वेश्चन अपने एग्री और हार्टी के कवर होंगे। दोस्तों यहाँ पे आप शुरू करते हैं अपना मॉक टेस्ट। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे शुरू करने के पहले एक और खास जानकारी दे दूँ। दोस्तों जो लोग बार बार पूछ रहे हैं कि NSC का एडमिट कार्ड कब आएंगे, NSC के हॉल टिकट कब आएंगे, दोस्तों उनको मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों जैसे ही आएंगे मैं अपडेट कर दूंगा, ऐसा तो पहले पता नहीं रहता है कब आएंगे, फिर भी दोस्तों अपन सोच सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इन 3 दिनों में एडमिट कार्ड उसके आ जाएंगे। दोस्तों तो आप सब्र रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जैसे ही अपलोड होंगे मैं आपको चैनल पे दोस्तों अपलोड कर दूंगा। मैं भी दोस्तों डेली चेक करता हूँ वेबसाइट, आप भी डेली वेबसाइट चेक कीजिए, जैसे ही आ जाता है मैं आपको इस पर अपडेट कर दूंगा। दोस्तों ठीक है, दोस्तों ये पेपर हुआ था आपका PAT 2018 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड MP ने जो लिया था इसका पेपर, ये हुआ था दोस्तों अपना 21 अप्रैल 2018 को सुबह 9 बजे इसका शिफ्टिंग थी। तो ये जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ PAT की स्टडी कीजिए, PAT की स्टडी कीजिए, वो यही पेपर है दोस्तों। ठीक है, उसको शुरू करते हैं। इसमें अपन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन जो कि अपने बायो के लिए इम्पोर्टेंट है, बायो के साथ साथ आपके एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है और ट्रेनी मैट के अलावा और अपने लाइव स्टॉक से। दोस्तों जो लोग PAT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों, लेकिन इसमें अपन बायो के क्वेश्चन कवर करेंगे। अपन फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का पोर्शन इसमें छोड़ रहे हैं, तो आप दोस्तों इसमें स्क्रीनशॉट लेके दे सकते हैं, इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो आप इसको पॉज करके आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपने स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 15 दोस्त 15 में नहीं दोस्तों पहला क्वेश्चन है 16 आपका नहीं देखते हैं दोस्तों। वह जो बेमेल है, आइडेंटिफाई द वन दैट इज मिसमैच। इसमें दोस्तों ये आपका जूलॉजी का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लगाएंगे फोर्थ ऑप्शन कोंड्रियाक्टिस अस्थिल मछलियाँ, ये इसकी जोड़ी सही नहीं है, बाकी सब सही है। तने की परिधि बढ़ने का कारण है गर्थ ऑफ द स्टेम इंक्रीज ड्यू टू, गर्थ ऑफ द स्टेम किसके कारण इंक्रीज होती है, तो ये आपकी इंक्रीज कारण होगी आपकी होगी लेटरल मेरिस्टेम के कारण, लेटरल मेरिस्टेम इसका राइट आंसर जाएगा 16 का फोर्थ लेटरल मेरिस्टेम। तो 17 क्वेश्चन आपके आगे है, वैसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन संश्लेषित कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है, ऑर्गेनिज्म विच कैन सिंथेसाइज देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड, ये क्या कहे जाते हैं, तो ये आपके कहे जाएंगे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, इसका सी आंसर राइट हो जाएगा थर्ड। दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों मॉक टेस्ट में जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, मॉक टेस्ट आप पुराने प्रीवियस देख लीजिए, मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं NSC की प्रिपरेशन में, तो आप इन्हें मॉक टेस्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों और भी जो अभी जो वैकेंसी आई उसके भी अपडेट मैंने दिया है, तो आप चैनल को डेली विजिट करते ही जैसे भी कोई जानकारी आएगी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, हो सके तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको और जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। किचन ऑफ द सेल इज सेल की किचन कौन होता है, किचन होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। 18 का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट, बी आंसर राइट आ जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस पादप में इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ऑटोगेमी एंड गेटोनोगेमी कैन नॉट टेक प्लेस, तो ये आपके पपीते में दोस्तों नहीं होता है। 20 पे आते हैं, किस प्रकार इन व्हाट वे एपोमिक्सिस इज सिमिलर टू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के सिमिलर है, तो ये आ जाएगी दोनों अपने मूल के क्लोन का निर्माण करते हैं, बोथ प्रोड्यूस क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम बायो का फिर देखते हैं, ये अपना एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है। बोरान की 22 का देखेंगे, बोरान की कमी के लक्षण के साथ मैग्नीज की कमी का एक लक्षण दिया गया है, मैग्नीज की कमी का लक्षण पहचान करें दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों प्ले ए रोल इन फोटो ऑक्सीडेशन, जो आपका मैग्नीज है, बोरान की कमी करने में मैग्नीज कमी का एक लक्षण, तो ये प्रकाश ऑक्सीकरण में एक भूमिका निभाता है। तो अगला क्वेश्चन है, हील रिएक्शन कैन ऑक्यूर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो ये आपकी होगी दोस्तों इन द प्रेजेंस ऑफ फेरी साइनाइड की उपस्थिति में आपकी जो है हील रिएक्शन होती है। ड्यूरिंग फोटो
लिसिस ऑफ वाटर ऑक्सीजन इज इवॉल्व इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, नेम ऑफ द एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। मतलब जल के प्रकाश अपघटन के दौरान प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया में निहित होने वाले तत्वों के नाम बताइए, तो इसमें होता है आपका मैग्नीज एवं क्लोरीन। 25 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, इसको अपन स्किप करेंगे। निम्नलिखित में से कौन जड़ों को मूली त्वचा के समकक्ष है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू एपिब्लेमा ऑफ द रूट्स। तो ये आपकी एपिडर्मिस होती है दोस्तों। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन द रूट नोडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। फलीदार पौधों के मूल ग्रंथिका में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होगा दोस्तों ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, या ऑक्सीजन स्कैवेंजर, इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। जेनोग्राफ्ट, व्हाट डू यू मीन बाय जेनोग्राफ्ट। दोस्तों थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है ये, इस हिसाब से जेनोग्राफ्ट क्या होता है। जेनोग्राफ्ट होता है आपका ए ग्राफ्ट बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज। पौधों की कैल्शियम की चार क्रियात्मक भूमिकाएं दी गई है, एक गलत। दोस्तों चार फिजियोलॉजिकल रोल्स जो है केमिकल्स के, इनके अलावा जो नहीं है फिजियोलॉजिकल रोल, उसको आपकी पहचान करना है। तो इसमें आंसर आप देखेंगे यहाँ पे, हिस्टोमेटिक गतिविधियों कौन नियंत्रित करता है, ये आपने मॉक टेस्ट में अब तक हो चुका है, ये दोस्तों आपका करता है पोटेशियम, तो इसका थर्ड आंसर राइट हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं कोशिका झिल्ली के निर्माण में यह महत्वपूर्ण है, इन कंट्रोल सेल परमेबिलिटी को कंट्रोल करता है ये, इट हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ बी कीपिंग इज कॉल्ड, बी कीपिंग की प्रैक्टिस क्या कहलाती है आपकी, एपिकल्चर। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन है, अगर आप पीएटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पेपर इंपॉर्टेंट होना है। मैं आपके इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको जो वीडियो आप दोस्तों इतनी जल्दी चैनल मोनेटाइज पे आप कंडीशन ला दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। ये दोस्तों थोड़ा सा जीके का क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारे दांतों को ब्रश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले टूथपेस्ट सामान्यतः होते हैं, तो ये होते हैं आपके बेसिक। ये अगला क्वेश्चन फिर बायो का दोस्तों, पौधे का वह भाग जो वनस्पति संचरण में उपयोग नहीं होता, वन ऑफ द प्लांट पार्ट्स नॉट यूज्ड इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कौन सा यूज नहीं होता है आपका, फ्लावर, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में यूज नहीं होता है। बाकी आप लीफ का यूज कर सकते हैं, स्टेम का यूज कर सकते हैं, रूट का यूज कर सकते हैं। नेम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज इंसेक्ट इन जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, अनुवांशिक प्रयोगों में अक्सर उपयोग किया जाने वाला कीट का नाम, तो ये आपका फ्रूट फ्लाई। दोस्तों फ्रूट फ्लाई क्या होगा आपका, फ्रूट फ्लाई जो होगा आपका, फ्रूट फ्लाई जो होगा आपका क्रॉस पोलिनेशन में दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है ये। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया यूज द पिगमेंट कॉल्ड। फोटोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन सा पिगमेंट यूज करते हैं, तो ये आपका बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बनने का उपयोग करते हैं दोस्तों, इसका आ जाएगा आपका फोर्थ आंसर राइट। केम प्लांट का दिया है यहाँ पे, हाउ डज क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म हेल्प द प्लांट्स, कैसे प्लांट की हेल्प करता है, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ वाटर करता है दोस्तों। केम प्लांट वहाँ होते हैं जो ड्राई एरिया में उगते हैं, वो केम प्लांट होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आज थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है, तो आप देखते रहिए इस वीडियो को, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उन्हें देखिए। निम्नलिखित में से कौन उभय फ्लोएमी संवहनी बंडल की विशेषता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टर ऑफ बायकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। तो इसका राइट आंसर आप लगाएंगे, जाइलम खंड केवल दो फ्लोएम खंडों के मध्य स्थित होता है, द्विपक्षी। दोस्तों इसका आंसर आप लगाएंगे ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन बल्ब में तने के समान है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट ऑफ द स्टेम इन बल्ब। दोस्तों बल्ब की जो क्रॉप होती है तो वो किसके इक्विवेलेंट है, तो ये आपको जाएगा डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर फ्रॉम विच द फ्लैशी स्केल लीव्स एराइज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ द फाइलोट फ्रॉम द फॉलोइंग, फाइलोट फ्रॉम द फॉलोइंग कौन सा है इसमें से, तो ये आपका हो जाएगा द नोट्स एंड इंटरनोट्स आर अब्सेंट होते हैं इसमें।
फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, 80 क्वेश्चन देखेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू, फ्लेक्सिबिलिटी किस कारण होती है, तो ये आपकी होती है कोलेन काइमा के कारण। 80 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। निम्नलिखित में से गलत मिलान करें, वी फाइंड द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से दोस्तों ओस्मोटिक प्रेशर इक्वल टर्गर प्रेशर, दोस्तों ये गलत है। अगला आते हैं कोइसन टेंशन थ्योरी इक्वल ट्रांसपिरेशन पुल, दोस्तों ये राइट है। और अपना प्रेशर पोटेंशियल इक्वल है अपना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर थ्योरी, ये भी राइट है। दोस्तों स्टोमेटल मूवमेंट होता है आपका पोटेशियम ट्रांसपोर्ट कारण, ये भी अपना राइट है। इसका राइट आंसर आप लगा देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टर्गर चेंजेस, ये आपका गलत है दोस्तों। अगला है अपना दोस्तों 100 क्वेश्चन तक थोड़े मिक्स क्वेश्चन है, इसके बाद आपके एक जैसे क्वेश्चन चलेंगे एग्रीकल्चर के और लाइव स्टॉक के, तो आप वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा अपने को प्रॉब्लम आ रही है अभी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, ये अपने 100 क्वेश्चन हुए, तो अब हम शुरू करते हैं मक्खन तैयार करने के लिए। डेयरी का क्वेश्चन है, मक्खन तैयार करने के लिए मथनी को करते समय मथनी को कितना भरा जाना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन मुझे मिला नहीं, अगर आपको पता हो तो इसका डाउट है मुझे, इसका आंसर मुझे कहीं मिला था इसकी क्षमता का आधा, 1/2 ऑफ इट्स कैपेसिटी, इसका आंसर गलत दिया होता है, इस कारण से क्वेश्चन कैंसिल हो गया। तो आप इसका राइट आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। अगला, एक बेल से निम्न हॉर्स पावर प्राप्त होता है, दोस्तों ये आप सर्च करके बताइएगा, एक बेल से कितना हॉर्स पावर प्राप्त होता है, 0.50 हॉर्स पावर प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसमें जो क्वेश्चन अपने काम करेंगे वो हम स्किप करेंगे, अब मैं इसमें एनएससी के लेवल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते जाएंगे। फ्रूट क्रॉप इज ओनली प्रोपेगेटेड थ्रू सीड, कौन सी फ्रूट क्रॉप है जो केवल बीज द्वारा प्रसारित होती है, तो बीज द्वारा प्रसारित होगी आपकी पपीता, पपीता जो है आपकी सिर्फ बीज से ही प्रोपेगेटेड होती है दोस्तों। सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो, मैंगो की सीडलेस वैरायटी कौन सी, तो मैंगो की सीडलेस वैरायटी आपकी सिंधु है। बीज रहित केला के कारण है, सीडलेस इज बनाना इज ड्यू टू, तो ये आपकी वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी के कारण होता है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायोसियस क्रॉप, डायोसियस क्रॉप कौन सी है, पपाया टी मैंगो नारियल, तो दोस्तों पपाया जो है आपकी डायोसियस क्रॉप है। अगला था ललित इज एन इम्पोर्ट इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ, ललित निम्न की एक उन्नत किस्म है, तो ललित है आपकी गुआवा की किस्म है दोस्तों, अमरूद की, ललित आपकी गुआवा की किस्म है। एनपीके आर रिगार्डेड इन प्लांट न्यूट्रिशन एज, एनपीके जो आते हैं आपके किस प्रकार के न्यूट्रेंट होते हैं, वो माइक्रो न्यूट्रेंट, ट्रेस न्यूट्रेंट, नॉन रेसिडेंट न्यूट्रेंट, मैक्रो न्यूट्रेंट, तो ये आपके मैक्रो न्यूट्रेंट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वसा और SNF के संयोजित, मतलब कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंबाइंड सोर्सेज ऑफ फैट एंड SNF, तो फैट और SNF का कंबाइंड सोर्स कौन सा है, तो ये आपका है स्वीटेंड कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क, मीठा संघनित दूध, ये फोर्थ आंसर इसका राइट आ जाएगा। बात करते हैं द सेंसिटिव स्टेज टू मॉइस्चर स्टेज इन सोरगम इज, सेंसिटिव स्टेज कौन सी है मॉइस्चर स्टेज इन सोरगम, तो ये आपका हो जाएगा ग्रेन फिलिंग ओनली, बिल्कुल है सेंसिटिव स्टेज, और अपना फ्लावरिंग ओनली ये भी है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर लगाएंगे फोर्थ, बॉथ ए एंड बी। स्वीट ऑरेंज बिलोंग टू द फैमिली, स्वीट ऑरेंज की फैमिली कौन सी दोस्तों, स्वीट ऑरेंज की फैमिली हो जाएगी आपकी रूटेसी। द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर मैंगो प्लांटिंग, मैंगो की प्लांटिंग की मोस्ट पॉपुलर मेथड कौन सी है, तो ये आपकी स्क्वायर मेथड दोस्तों पॉपुलर है आम के प्लांटिंग की। सरकार ने फसल बीमा योजना क्यों शुरू किया, वो किया था आपके ड्रॉट रिस्क से बचाने के लिए आपकी फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। अगला है दोस्तों फल एवं सब्जियां विटामिन व खनिजों के समृद्ध स्रोत होते हैं और वे क्या कहलाते हैं, तो वे दोस्तों आपके होते हैं संरक्षक, प्रोटेक्टिव फूड होते हैं आपके। अंडों की कैंडलिंग, दोस्तों एक्स पोल्ट्री का क्वेश्चन है ये, कैंडलिंग ऑफ एक्स इज डन टू, कैंडलिंग ऑफ एक्स इज डन टू, तो ये आपकी की जाएगी टेस्ट ऑफ द वियबिलिटी ऑफ एम्ब्रियो ओनली, बिल्कुल, मार्क द प्रेजेंस ऑफ एयर सैक इन एक्स ओनली, बिल्कुल राइट है, और फाइंड ब्लड वेसल्स इन एक्स, ये भी राइट है, तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। 16 क्वेश्चन है, 17 पे आते हैं टमाटर में पुष्पाग्र विकल ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज जो होती है वो किसके कारण होती है, तो ये आपकी होती है कैल्शियम कारण, ब्लॉसम एंड रॉट इन टोमेटो इज ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी। लालबाग, लालबाग गार्डन सिचुएटेड एट, लालबाग गार्डन आपका है बेंगलोर में दोस्तों। मृदा कणों की व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, मृदा कणों की व्यवस्था के रूप में आपका जाएगा सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर दोस्तों
आपका अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल रिफर टू सॉइल स्ट्रक्चर। यूरिया में नाइट्रोजन आपको पता ही होगा, यूरिया में नाइट्रोजन होता है आपका 46%। अगला क्वेश्चन है मृदा की कार्बनिक पदार्थ मात्रा क्या है, व्हाट इज द ऑर्गेनिक मैटर कॉन्टेंट ऑफ सॉइल। तो ये आपका 5% जो है आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉइल में। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सर्वे फील्ड बुक, सर्वे फील्ड बुक का मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो वो होता है आपका मेजरमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सर्वेक्षण में एक कंपास का क्या प्रयोग होता है, सर्वेक्षण जो करते हैं अपन उसमें कंपास जो है एक रेखा की दिशा को नापने के लिए होता है कंपास। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सॉइल ऑर्डर, सॉइल ऑर्डर्स कितने हैं, तो सॉइल ऑर्डर्स आपके टोटल हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे 12 सॉइल ऑर्डर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस फसल में वैकल्पिक असर अल्टरनेट बियरिंग देखा जाता है, अल्टरनेट बियरिंग किस में होती है, अल्टरनेट बियरिंग आपकी मैंगो में होती है, पहले अपने मॉक टेस्ट में डिस्कस कर चुके हैं अपन इसको। गाजर किस तरह की, कैरेट इज ए पोलिनेटेड, कैरेट है आपकी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। ऑयल पाम इज मेनली प्रोपोगेटेड बाय, तो ऑयल पाम आपका मेनली प्रोपोगेटेड होगा सीड से, सीड इसका राइट आंसर आ जाएगा 27 का। 28 कौन सी जुताई को ठूठीदार पलवार जुताई के रूप में जाना जाता है, विच टिलेज इज ऑल्सो नाउन एज स्टबल एंड मल्च टिलेज, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कंजर्वेशन टिलेज, इसका राइट आंसर आ जाएगा। टंग ग्राफ्टिंग का एक संशोधित रूप कौन सा है, टंग ग्राफ्टिंग को विप ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है दोस्तों, कहा जाता मतलब इसका दोस्तों ये मॉडिफाइड फॉर्म है, कहा नहीं जाता बल्कि ये मॉडिफाइड फॉर्म है। क्राइसेंथिमम इज ए, क्राइसेंथिमम गुलदाउदी एक है, तो गुलदाउदी आपका क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। द क्रॉप ऑफ डिफरेंट हाइट आर ग्रोन इन क्रॉपिंग सिस्टम, तो ये डिफरेंट क्रॉपिंग सिस्टम पे लगाते हैं दोस्तों, डिफरेंट हाइट की क्रॉप क्रॉपिंग सिस्टम में लगाते हैं, तो वो होता है आपका मल्टी स्टोरेड बहुमंजिला खेती, इसमें आप नारियल वगैरह की जो अलग अलग हाइट की क्रॉप है उनको लगाते हैं साथ में। ग्रोइंग ऑफ ट्रीज फॉर टिम्बर अलॉन्ग विथ क्रॉप इज नाउन एज, फसलों के साथ लकड़ी के लिए वृक्षों को उगाना, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इसका राइट आंसर आप लगाएंगे एग्री सिल्वीकल्चर, इसका फर्स्ट आंसर राइट आ जाएगा। स्ट्राइगा खरपतवार से संबंधित है, स्ट्राइगा किस प्रकार खरपतवार से संबंधित है, स्ट्राइगा जो है आपका किस संबंधित है, स्ट्राइगा आपका सोरगम, स्ट्राइगा आपके ज्वार में लगता है। गन्ना किस टाइप का पौधा है, सुगर केन नीचे, सुगर केन आपका सॉल्ट डे प्लांट है। फसल को उत्पन्न करने की मृदा की क्षमता, द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस द यील्ड इज कॉल्ड एज, तो ये आपकी कहलाएगी सॉइल सॉइल प्रोडक्टिविटी कहलाएगी, सॉइल प्रोडक्टिविटी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ब्लू क्रांति किससे संबंधित है, आपकी ब्लू रेवोल्यूशन आपका फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। सिंचाई की कौन सी पद्धति आमतौर पर प्रयुक्त नहीं होती है, तो दोस्तों सब सरफेस इरीगेशन आमतौर पर प्रयुक्त नहीं होती, बाकी कैनाल इरीगेशन होता है, लिफ्ट इरीगेशन होता है, स्प्रिंकलर इरीगेशन भी आपने देखा ही होगा, स्प्रिंकलर इरीगेशन भी होता है। कौन सी मृदा संरचना पौधों की वृद्धि के लिए सर्वोत्तम है, दोस्तों ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है अपने इसमें, पिछली बार में ट्रेनिंग एग्रीकल्चर में पेपर क्वेश्चन आया था ये, 38 का राइट आंसर आप लगाएंगे ग्रेनुलर एंड क्रम, ग्रेनुलर एंड क्रम दोस्तों इंपॉर्टेंट होती है पौधों की वृद्धि के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सिंगल सुपर फास्फेट में जल घुलनशील फास्फोरस की मात्रा है, तो जल घुलनशील फास्फोरस की मात्रा आपकी हो जाएगी, फास्फोरस की मात्रा हो जाएगी आपकी 16%। अगला 40 क्वेश्चन है रसायन जो कि खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, द केमिकल यूज्ड टू किल वीड इज नाउन एस, तो ये आपके कहलाएंगे दोस्तों हर्बिसाइड, हर्बिसाइड इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ रिपेयर ग्राफ्टिंग, रिपेयर ग्राफ्टिंग की फॉर्म कौन सा है, तो मतलब हिंदी देखेंगे इसके, निम्नलिखित में से कौन जीर्णोद्धार कलम बांधने का एक रूप है, तो ये आपका आ जाएगा इसका राइट आंसर ब्रिज ग्राफ्टिंग, ब्रिज ग्राफ्टिंग ओनली इसका राइट आंसर आ जाएगा। खेतों में फलों और सब्जियों के भंडारण के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो खेतों में तो ये आपका किया जाएगा जीरो एनर्जी कूल चैम्बर खेतों में यूज किया जाता है। अगला विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट सर्वेइंग एवन इन नाइट टाइम, रात्रि काल में भी निम्नलिखित में से कौन सर्वेक्षणों को सरल बनाता है, तो ये आपका GPS, तो GPS अपन रात में भी ट्रेस कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका GPS थर्ड ऑप्शन। ट्रिकल इरीगेशन, ट्रिकल इरीगेशन का दोस्तों दूसरा नाम आपको पता है, ड्रिप इरीगेशन को नाम से भी जाना जाता है, ट्रिकल इरीगेशन इज ऑल्सो नाउन एज ड्रिप इरीगेशन। मूंगफली, दोस्तों मूंगफली में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सा शाकनाशक प्रयुक्त तो होता है, विच हर्बिसाइड इज यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ वीड्स इन ग्राउंडनट, ग्राउंडनट में अपन कौन सा यूज करते हैं, तो ग्राउंडनट में आप यूज करेंगे फ्लुक्रोलिन, जिसका इसका ट्रेड नाम क्या है दोस्तों,
इसका ट्रेड नाम है आपका बासालिन। हायर वाटर यूज एफिशिएंसी इज ऑब्जर्व्ड इन इरिगेशन फील्ड इरिगेशन मेथड, तो उच्च जल उपयोग दक्षता किस में होती है, तो आपकी ड्रिप में होती है दोस्तों। ड्रिप में आप जितना पानी देंगे उसका 90-95% यूज हो जाता है कि ना। दोस्तों ये अपना फ्लोरिकल्चर का क्वेश्चन है। द रिमूवल ऑफ ड्राइड फ्लावर सूट्स इन केना इज, केना में सूखे फूलों की प्ररोह को हटाना क्या है आपका, ये आपका कहलाएगा मेटोकिंग। मेटोकिंग कहलाता है दोस्तों। ब्रायलर पोल्ट्री आपका लाइव स्टॉक क्वेश्चन है। ब्रायलर पोल्ट्री पक्षियों की परिष्कारक राशन फिनिशर राशन किस आयु में दिया जाता है, मतलब फिनिशर राशन इज गिवन टू ब्रायलर पोल्ट्री। ब्रायलर पोल्ट्री को किस एज में दिया जाता है, तो ये आपका दिया जाएगा 22 दिन से लेकर बिक्री तक, जब आपको बेचना है तब तक आप इसे फिनिशर राशन खिलाएंगे दोस्तों। फिनिशर राशन उसको खिलाया जाता है। सब्जियों की वांछित और उपयुक्त आकार वाले डिब्बों में रखने को कहा जाता है, तो ये आपका कहलाएगा पैकेजिंग। पैकेजिंग इसका राइट आंसर आ जाएगा। 50 क्वेश्चन है। घी में नमी की मात्रा निम्न होती है, तो घी में नमी की मात्रा होगी आपकी 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों घी में नमी की। दूध का स्वाद निम्न का मिश्रण होता है, दूध का जो स्वाद होता है वो किसके कारण होता है, फ्लेवर ऑफ मिल्क इज ब्लेंड ऑफ द, तो ये किसका होता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रेजेंस ऑफ फास्फोलिपिड फैटी एसिड्स एंड फैट ओनली, बिल्कुल है प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज के कारण और प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स के कारण, तो उसका राइट आंसर जाएगा ऑल ऑफ दिस। दोस्तों गाय के दूध का औसत हिमांक जो होता है, द एवरेज फ्रीजिंग पॉइंट डिस्पर्सन ऑफ काउ मिल्क मे बी टेकन एज, तो ये आपका हो जाएगा 0.547 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका राइट आंसर आ जाएगा। न्यू कैसल को रोग को किस नाम से जाना जाता है, तो न्यू कैसल रोग को आपका रानीखेत रोग भी जाना जाता है। ये आपका लाइव स्टॉक का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है पुट्ठे जांग और कंधे पर सूजन, द स्वेलिंग ओवर हिप थाई शोल्डर इज अ सिम्टम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो ये आपका सिम्टम हो जाएगा आपका ब्लैक क्वार्टर का। ब्लैक क्वार्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 से 12 वर्ष के दौरान पशुओं की आयु की गणना निम्न के द्वारा की जाती है, तो ये दोस्तों 6 से 12 वर्ष का पशु है तो उसका अपन करेंगे वियर एंड टीयर ऑफ परमानेंट इंसीजर्स, जो आपका स्थायी कृंतक दांत होते हैं उनका घिसाई जो हो रही है तो उस पर देखा जाएगा दोस्तों। द वेजिटेबल विच इज एसिडिक इन नेचर में कौन सी है आपकी, टमाटर इसका राइट आंसर है। कुक्कुट की गिरिराज नस्ल निम्नलिखित द्वारा विकसित की गई, जो आपकी गिरिराज ब्रीड है पोल्ट्री की वो किसके द्वारा डेवलप की गई थी, तो ये आपकी की गई थी वेटनरी कॉलेज बैंगलोर के द्वारा, इसका फोर्थ आंसर राइट आ जाएगा। पके फल किस गैस को उत्सर्जित करते हैं, तो पके फल आपके एथिलीन गैस को उत्सर्जित करेंगे, ये आंसर इसका राइट आ जाएगा। 59 HN260 लेयर बर्ड प्रति वर्ष कितने अंडों का उत्पादन करती है, तो ये आपका 250 HN260 लेयर बर्ड प्रोड्यूसेस 250 to 260 eggs per year. तो which while collecting the semen the angle of artificial vagina could be, मतलब वीर्य के संग्रहण के दौरान कृत्रिम योनि का जो कोण है वो कितना रखा जाता है, तो वो आपका रखा जाएगा 45 degree दोस्तों। मवेशियों का आमतौर पर वजन किया जाता है, आमतौर पर कब वजन, केटल शुड बी वेटेड यूजुअली वंस इन ए, कब वजन किया जाता है पहली बार, तो ये आपका किया जाएगा पहली बार वजन माह में। केटल शुड बी वेटेड यूजुअली वंस इन ए, तो मतलब आपके महीने में इसका वजन करते रहना चाहिए हर महीने। सब्जियों में समृद्ध होती है, वेजिटेबल आर रिच इन, तो वेजिटेबल में आपके मिनरल्स होते हैं दोस्तों। सब्जियां प्रकृति में होती है, सब्जियां जो वेजिटेबल्स आर इन नेचर, तो ये आपकी नेचर में होगी आपकी एल्कलाइन होगी दोस्तों। इंजेक्शन ऑफ विटामिन D3 एट 10 million IU इंट्रामस्कुलरी ए वीक बिफोर पार्चुरेशन इज ए गिवन टू अवॉइड डिजीज, किस चीज के लिए दिया जाता है विटामिन D3 का, ये आपका मिल्क फीवर, क्योंकि जो मिल्क फीवर होता है ये आपका कैल्शियम की कमी से होता है, तो कैल्शियम की कमी से होता है मिल्क फीवर, तो इसके लिए आप विटामिन डी थ्री का नाम ही आपका है कैल्सिफेरॉल, जो आपके विटामिन डी से आपकी कैल्शियम की कमी पूरी होती है, तो इस कारण से विटामिन डी का दिया जाता है दोस्तों। डेयरी पशुओं के लिए आवास प्रदान करने का क्या उद्देश्य है, तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग हाउसिंग ऑफ डेयरी एनिमल्स, तो इसका राइट आंसर आप लगाएंगे 65 का
केवल श्रेय की श्रम की क्षमता बढ़ाने, केवल जंगली पशुओं व चोरी चोरी से बचाने और केवल पशुओं को अधिक आराम दो, इसका राइट आंसर जाएगा ऑल ऑफ दिस। इनमें से कौन जीवाणु का बेसिलस व्हाइट डायरिया रोग का कारण है? व्हाट इज द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ बेसिलरी व्हाइट डायरिया डिजीज? तो ये आपका हो जाएगा सेल्मोनेरा पुलरम के कारण, ये इसका सी होता है। बकरी की जो नस्ल है उस्मानाबादी नस्ल का ड्रेसिंग प्रतिशत कितना होता है? ड्रेसिंग प्रतिशत इसमें होता है दोस्तों 45-50% उस्मानाबादी ब्रीड में। व्हाट इज मीन बाय राशन? राशन से आप क्या समझते हैं? तो राशन जो होता है आपका, यह 24 घंटे की अवधि के लिए पशु को भरण पोषण के लिए दिया जाने वाला चारा होता है। व्हाट इज द सिम्टम ऑफ रिंडरपेस्ट डिजीज? तो रिंडरपेस्ट डिजीज का सिम्टम आपका हो जाएगा शूटिंग डायरिया, सेलिवेशन जो आपका लार जो निकलता रहता है वो, और मुखी श्लेष्मा झिल्ली के उत्तक से छाले दोस्तों मुंह में जो छाले हो जाते हैं वो। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। कुक्कुट पालन राशन में अपरिष्कृत फाइबर की अधिकतम सांद्रता कितनी होनी चाहिए? तो ये कुक्कुट पालन के जो राशन में उसमें होनी चाहिए 6-8%। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एन आर्टिफिशियल वेजाइना वाइल कलेक्टिंग द सीमेन? इसका टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर दोस्तों 45 डिग्री। इसका दोस्तों टेम्परेचर भी 45 रखा जाता है और जो एंगल हो रखा जाता है वो भी 45 रखा जाता है, तो ये से आप याद रख सकते हैं। बहुत अच्छे ग्रेड स्कोर वाली डेयरी गाय, डेयरी काउ विथ वेरी गुड ग्रेड स्कोर्स पॉइंट कितने पॉइंट के बीच होगा? तो 85-90 के बीच अगर उसको ग्रेड मिलते हैं तो वो वेरी गुड की श्रेणी में आएगी दोस्तों। कोलेस्ट्रम इज गिवन टू, किसको दिया जाता है कोलेस्ट्रम? कोलेस्ट्रम आपका दिया जाएगा केवल नवजात बछड़े और बछड़ी को। कोलेस्ट्रम जो खीस निकलता है जबकि गाय जब, तो फिर अगला क्वेश्चन, तो बर्सिम में अपरिष्कृत प्रोटीन जो होता है, बर्सिम कॉन्टेंट्स ऑफ क्रूड प्रोटीन, बर्सिम में क्रूड प्रोटीन कितना होता है आपका? होता है 17-19% क्रूड प्रोटीन होता है बर्सिम में। बैक क्रॉसिंग मीन्स, बैक क्रॉस का मीन्स क्या होता है? तो बैक क्रॉसिंग मीन्स होता है संकर मादा का उसके शुद्ध वंशज माता पिता के साथ संसर्ग, मैटिंग ऑफ क्रॉस ब्रीड फीमेल टू वन ऑफ इच प्योर पेरेंट। प्याज जो है आपका ओनियन ऑफ विच काइंड ऑफ द क्रॉप? ओनियन है आपका लॉन्ग डे प्लांट, ओनियन आपका लॉन्ग डे प्लांट होता है। स्केप और वॉल्ट लाइक लेसन्स आर फीदरलेस पार्ट ऑफ बॉडी सच एज कॉम्ब एंड वेटल्स इन सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? तो ये आपके सिम्टम है दोस्तों फॉल बॉक्स के। वह पोषक जिनकी जरूरत पौधों को अल्प मात्रा में होती है, अल्प मात्रा में किसकी होती है जरूरत? कम मात्रा में होगी, स्मॉल क्वांटिटी में आपकी माइक्रोन्यूट्रिएंट की। 2 किलोग्राम ब्रान प्लस 1 किलोग्राम जगरी और मोलासेस मॉइस्चर विथ ल्यूकवर्म्स वाटर इज गिवन टू, मतलब 2 किलोग्राम चोकर और 1 किलोग्राम गुड़ या खांड को हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर किसको दिया जाता है? तो ये आपका दिया जाएगा फ्रेशी कार्व्ड काउ और बफेलो, मतलब हाल ही में बच्चे को जन्म देने वाली गाय और भैंस को दिया जाता है। दूध स्रावित करने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन निम्न में से स्रावित होता है? तो ये आपका स्रावित होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। निम्नलिखित में से किस विधि से उत्पादित दूध का सर्वाधिक उपयोग अधिक स्वच्छ होता है? किस विधि से? तो ये आपका होगा मशीन से दूध दोना, जो मशीन से दोते हैं वो अधिक स्वच्छ होता है। निम्नलिखित में से कुक्कुट रखने की सबसे पुरानी विधि, सबसे पुरानी विधि दोस्तों फ्री रेंज सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सी फसल घास बनाने के लिए सर्वोत्तम है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्रॉप फॉर हे मेकिंग? हे मेकिंग के लिए आपकी ल्यूसर्न बेस्ट होती है। गर्बर फैट टेस्टिंग विधि से निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? इसमें आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। गर्बर विधि से जो अपन फैट का टेस्टिंग करते हैं दूध में, अक्सर आपने देखा होगा डेयरी पे जो गर्बर विधि से आप फैट निकालते हैं वो घुमाते रहते हैं, वो गर्बर विधि होती है, तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है उसमें। रोमंथी आमाशय के निम्नलिखित में से किस हिस्से में भीतर से 100 परतें होती जिन्हें लेमिना कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा तृतीय आमाशय में, ओमेसम में। निम्नलिखित में से क्या एक उत्पादक मोटा चारा नहीं है? तो ये आपके ग्रीन में जो है ये उत्पादक मोटा चारा प्रोडक्टिव रफेज नहीं है आपका। निम्नलिखित में से क्या नर प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये आपका स्क्रोटम है और आपका टेस्टिस भी है और एपिडिडिमस भी है, मतलब ये आपका
फेलोपियन ट्यूब्स जो है ये आपका नरपिटन तंत्र का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल गहरी जड़ वाली फसल होती है? गहरी जड़ वाली फसल कौन सी? तो गहरी जड़ वाली फसल है आपकी टमाटर। दोस्तों दूध निकालने की निम्नलिखित विधियों में से किसमें दूध को हाथ से निकाला जाता है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैंड मिल्किंग मेथड? हैंड मिल्किंग मेथड है आपकी नकलिंग, स्ट्रिपिंग और फिस्टिंग। दोस्तों सभी आपकी हाथ से निकालने वाली मेथड है। निम्नलिखित में से कौन कुक्कुट पालन पक्षी पोल्ट्री बर्ड का बाह्य परजीवी? बाह्य परजीवी आपका माइट्स हो जाएगा। पायरोप्लाज्माइट्स इज आल्सो नोन एज? तो ये आपका जाना जाता है और बेबियोसिस के नाम से, बेबी सीता के नाम से भी जाना जाता है। गेहूं किस ऋतु की फसल है? गेहूं आपकी रबी के सीजन की क्रॉप है। एक पेशी होती है जो वक्षी व उदरी गुहाओं के मध्य गुंबदाकार विभाजन होता है। इन्हें मस्कुलर डोम शेप्ड पोर्शन पार्टीशन बिटवीन द थोरेटिक एंड एब्डोमिनल कैविटीज। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डायफ्राम। डायफ्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिलोंग्स टू द लेग्यूम फैमिली? लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करता है आपका यहाँ पे चना। बाकी ये सभी दोस्तों ग्रैमिनी कुल की है। चावल ग्रैमिनी है, गेहूं ग्रैमिनी है और मक्का भी जो आपका ग्रैमिनी कुल का है। इज आल्सो नाउन एज विंड पाइप ऑफ एनिमल रेस्पिरेटरी सिस्टम? विंड पाइप ऑफ एनिमल रेस्पिरेटरी सिस्टम तो ये आपका ट्रेकिया, ट्रेकिया कहा जाएगा। सीलिंग के बाद साइलेज तैयार करने में नाइट्रेट के साथ क्या होता है? तो नाइट्रेट के साथ आपका सीलिंग के बाद साइलेज तैयार करने में नाइट्रेट, नाइट्रोजन के साथ क्या होता है? तो ये आपका डिक्रीज हो जाता है। दोस्तों पत्तेदार सब्जियां मुख्य रूप से किस सीजन में उगाई जाती है? तो ये पत्तेदार सब्जी लीफी वेजिटेबल्स आर मेनली ग्रोन ड्यूरिंग, तो ये आपकी विंटर सीजन में मेनली उगाई जाती है। मोटा चारा इसी खाद्य सामग्री रफेज आर द फीड स्टफ विच कॉन्टेंस मोर देन? तो ये इसका राइट आंसर आपका लगाएंगे 18% और 16%। 18% से अधिक जो आपका क्रूड फाइबर है और लेस देन आपका 60% से लेस देन आपका TDN होना चाहिए, उसको मोटा चारा कहा जाता है। जो ए ड्राई मैटर इंटैक 100 किलोग्राम बॉडी वेट ऑफ रिकमेंडेड फॉर ब्रीडिंग बुल, ब्रीडिंग बुल के लिए आपका ड्राई मैटर कितना चाहिए? आपको चाहिए 2 किलोग्राम 100 किलोग्राम बॉडी वेट पे। प्रत्येक गाय या भैंस प्रतिदिन औसतन कितने किलोग्राम गोबर का उत्पादन करती है? तो ये दोस्तों एक गाय या भैंस प्रतिदिन 10 से 20 किलोग्राम गोबर का उत्पादन करती है। तो ये थे दोस्तों 100 क्वेश्चन आपके PLT के एग्जाम के, इस तरह ये क्वेश्चन आपके आज के कंप्लीट हुए। दोस्तों थैंक यू, दोस्तों थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।